हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी के सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन से थर्टी क्वेश्चंस एंड ये है हमारा थर्ड वीडियो जिसमें हम लोग एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सो लेट्स बिगिन लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस मेनी पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अडेज़ मैनी पीपल के लिए आर लगाया गया है एंड ये कंटिन्यूस फॉर्म में है इसीलिए आई लगाया गया है मतलब कि आजकल बहुत सारे पीपल अवेयर हो रहे हैं सो so, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है इसलिए आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन डी नेक्स्ट वेन आई वॉज अ चाइल्ड आई डो नॉट लाइक गोइंग आउट टू प्ले इन द पार्क जब मैं एक बच्ची थी तब मुझे पार्क में जाकर खेलना पसंद नहीं था तो ये पास्ट की बात है इसीलिए आई डू नॉट नहीं होगा डिड नॉट होगा एंड डिड नॉट के साथ दो ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एंड डी तो डिड के साथ ऑलवेज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाता है डिड नॉट लाइक गलत हो जाएगा सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड नाउ दैट यू आर विद इन एज विद इन एज नहीं होता है ऑफ़ एज एक फ्रेज़ होता है एंड इसका मतलब होता है ओल्ड एनफ या फिर एलिजिबल फॉर डूइंग समथिंग मतलब कि कुछ भी करने के लिए अब आप एलिजिबल हैं इनफ ओल्ड हैं एंड इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट यू आर ऑफ एज नेक्स्ट ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड टू स्मोक प्रिवेंट के बाद फ्रॉम प्लस आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिवेंट हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग नेक्स्ट इफ आई हैव मनी आई परचेस दिस हाउस इस सेंटेंस का मीनिंग है अगर मेरे पास मनी होगा मैं इस घर को खरीदूंगी मतलब कि ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है इसीलिए फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट फॉर्म में रखा गया है एंड वी नो दैट इसका सेकेंड पार्ट फ्यूचर फॉर्म में होना चाहिए एंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आई विल परचेस दिस हाउस नेक्स्ट एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी विनिंग अ प्राइज इन द आर्ट्स कम्पिटिशन वॉन्ट्स के बाद टू इंफिनेटिव लगेगा एंड इसके साथ वब का बेसफॉर्म यानी कि वॉन्ट्स टू विन एवरीबडी वॉन्ट्स टू विन अ प्राइज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट मेनी ऑफ द एपल वॉज रोटन मैनी ऑफ का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ समथिंग दैट इज काउंटेबल मतलब कि ये काउंटेबल के लिए यूज किया जाता है तो मैनी ऑफ द एप्पल्स यानी कि बहुत सारे एप्पल्स सड़ गए थे तो इसके लिए वॉज नहीं होगा वर होगा मैनी ऑफ द एपल्स वर रोटेन नेक्स्ट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू से मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो सो so, इसके लिए यूज होगा वॉट वॉट यू आर ट्राइंग टू से सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल इट्स टाइम के साथ ऑलवेज वब टू का यूज किया जाता है इट्स टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल एंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड फोर न्यू स्पीशीज ऑफ हॉर्न फ्रॉग्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया बायोलॉजिस्ट के एक टीम ने डिस्कवर किया है फोर न्यू स्पीशीज तो टीम एक सिंगुलर नाउन है इसीलिए सिंगुलर वर्ब यूज होगा हैज एंड यहां पर बिन नहीं होगा बिन का यूज पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस में करते हैं बट ये एक्टिव फॉर्म में बनेगा इसलिए बिन रिमूव हो जाएगा सो so इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज डिस्कवर्ड ऑप्शन डी नेक्स्ट सो मच एज यू बिहेव लाइक दिस द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट अगेंस्ट यू कैन नॉट बी रिवोक्ड जब तक तुम ऐसे बिहेव करते रहोगे मैनेजमेंट का तुम्हारे अगेंस्ट जो डिसीजन है वो बदला नहीं जाएगा तो जब तक तुम ऐसा करोगे इसके लिए यूज होता है एज लॉन्ग एज एज लॉन्ग एज का मतलब होता है फॉर द होल टाइम दैट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट ही सिंग ऑलवेज वेन ही इज़ हैविंग अ शावर ऑलवेज एड वर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है जिसका यूज वर्ब के पहले होना चाहिए एंड इस टाइप के दो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन बी एंड सी ही ऑलवेज सिंग या फिर सिंग्स तो ही के साथ ऑलवेज वर्ब फाइव लगाया जाता है यानी कि सिंग्स सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ही ऑलवेज सिंग्स नेक्स्ट दिस इज प्लेस वेर कृष्णा वॉज बॉर्न ये वो जगह है जहां कृष्णा बॉर्न हुए थे जन्मे थे तो ये एक पर्टिकुलर जगह की बात है इसीलिए द आना चाहिए दिस इज प्लेस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट कालिदास वॉज अ ग्रेटर क्लासिकल संस्कृत पॉइंट ऑफ इंडिया ग्रेट के साथ ई आर ER लगाकर इसको कंपेरेटिव डिग्री बनाया गया है बट कालिदास का यहाँ पर किसी के साथ कंपेरिजन नहीं किया जा रहा है इसीलिए ग्रेटर गलत हो जाएगा सो so, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये एक सिंपल सा सेंटेंस है इसीलिए एजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म आना चाहिए यानी कि ग्रेट कालिदास वॉज अ ग्रेट क्लासिकल संस्कृत पॉइंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट माई गेस्ट डजेंट वॉन्टेड टू ईट एनीथिंग सिंस दे वर्ंट हंग्री आफ्टर द पार्टी मेरे गेस्ट्स कुछ खाना नहीं चाहे क्योंकि वो लोग पार्टी के बाद हंगरी नहीं थे गेस्ट्स खाना नहीं चाहे यानी कि ये पास्ट फॉर्म में है एंड पास्ट फॉर्म में डिड नॉट लगेगा एंड डिड नॉट के साथ वॉन्ट का बेस फॉर्म यानी कि वॉन्ट ही माई गेस्ट्स डिड नॉट वॉन्ट टू ईट सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन इंटरेस्ट के साथ इन का यूज होगा ना कि फॉर सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नो इंटरेस्ट इन नेक्स्ट द बॉयज वर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा डिलाइटेड के साथ एट का यूज होगा सो so, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिलाइटेड एट द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा नेक्स्ट शी रीड दैट नोवेल सिंस शी अप इन द मॉर्निंग सिंस का यूज हुआ है मतलब कि मॉर्निंग से लेकर अब तक वो नोवेल पढ़ रही है अभी भी पढ़ रही है एंड इस टाइप का सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है हैज या फिर बीन के साथ आईएनजी फॉर्म सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी she has been reading that novel since she got up in the morning next he will pass the driving test if he tries hard enough ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है इसका फर्स्ट पार्ट रखा गया है फ्यूचर फॉर्म में ही विल पास द ड्राइविंग टेस्ट मतलब कि वो ड्राइविंग टेस्ट पास करेगा इफ ही ट्राइज हार्ड इनफ तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है एंड इसके ऑप्शन में हैंड हेड तो नहीं होगा ये पास्ट की बात हो जा रही है सो गलत है इफ ही ट्राइंग भी कोई सेंटेंस नहीं होता है सो ये भी गलत है एंड इफ ही ट्राइड यह भी पास्ट फॉर्म में है सो ये भी गलत है सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर नो इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट द प्लेस इज टू मच नॉइजी मच का यूज़ करते हैं नाउन्स के पहले वो भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले बट यहाँ पर नॉइजी है एंड नॉइजी एक एडजेक्टिव है इसके लिए सिर्फ यूज़ करेंगे टू का दिस प्लेस इज टू नॉइजी एंड आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट नाइदर द पेरेंट्स नॉट द चाइल्ड वो आर हैप्पी अबाउट द रिजल्ट नो दैट जब कोई दो सब्जेक्ट्स नाइदर नॉर के साथ जुड़े होते हैं तो उसका वर्ब उसके सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है एंड यहां पर सेकेंड सब्जेक्ट चाइल्ड है इसके लिए वाज आएगा बट वाज के साथ दो ऑप्शन दिए गए हैं वॉज हैप्पी विद एंड वॉज हैप्पी फॉर तो हैप्पी फॉर किसी दूसरे के लिए खुश होना होता है बट जब आप आपके पास कुछ हो एंड आप उसके लिए खुश हैं उसके लिए यूज करेंगे हैप्पी विद हैप्पी विद द रिजल्ट सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट रिप्लाइड माइ लेटर आफ्टर अ मंथ नाउन के पहले पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव लगाया जाता है पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं यहां पर होगा माई लेटर एंड रिप्लाइड के साथ टू होता है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट हार्डली हार्डवी स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग गेट ड्रेंचड हार्डली स्के बेर्ली इन सब के साथ देन नहीं वैन का यूज किया जाता है यहां पर देन की जगह वैन आना चाहिए एंड गेट की जगह पर गॉट आएगा क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है हार्डली हार्डवी स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग मतलब कि जैसे ही हम लोग बिल्डिंग से स्टेप आउट किए हम लोग पूरी तरह से भीग गए सो so, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वेन वी गॉट नेक्स्ट द अरेबियन सी रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज सेवरल मेजर पोर्ट्स आर लोकेटिंग देयर अरेबियन सी रीजन इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मेजर पोर्ट्स वहाँ पर लोकेटेड हैं मतलब कि वो पहले से ही लोकेटेड हैं आर लोकेटिंग नहीं होगा ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में बनेगा एंड सिंपल पैसिव फॉर्म में सो so, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर लोकेटेड नेक्स्ट टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस स्ट्रॉन्गनेस एडजेक्टिव है बट यहाँ पर नाउन की जरूरत है तो नाउन के साथ दो ऑप्शन हैं ऑप्शन बी एंड डी स्ट्रेंथ एंड करेज तो ऑप्शन बी इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया है अ लॉर्ड्स ऑफ तो स्ट्रेंथ के लिए अ लॉर्ड्स ऑफ का यूज़ गलत हो जाएगा इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अ ग्रेट करेज मतलब कि अपने कंट्री के लिए बैटल फील्ड में फाइट करने के लिए एक ग्रेट करेज यानी कि साहस की जरूरत होती है नेक्स्ट No sooner did it begin to rain that all the guests ran inside. साइड नो सुनर के साथ दैन का यूज होता है ये एक फिक्स्ड कंजक्शनल पेयर है इसीलिए देन का यूज होगा एंड बाकी सारे ऑप्शंस इसीलिए गलत हैं सो so, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी देन ऑल द गेस्ट्स नेक्स्ट The milk has boiled over and falling onto the stove. जब दो वर्ब्स एक ही सब्जेक्ट के लिए हो और उन दोनों वर्ब्स के बीच एंड लगा हो तो दोनों वर्ब्स सेम फॉर्म में लगाए जाते हैं बट यहां पर हैज को रिपीट करना जरूरी नहीं है इसीलिए हम सिर्फ लिखेंगे फॉल का वब थ्री जैसे कि बॉइल्ड दिया गया है उसी तरह से फॉल का वब थ्री यानी कि फॉल इन फॉल इन ऑन टू द स्टोव सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल एन ऑन टू द स्टोव नेक्स्ट प्लीज़ स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम एज इट्स गेटिंग वेरी डार्क नाउ सेंटेंस में नाव का यूज़ हुआ है यानी कि ये प्रेजेंट फॉर्म में होगा सो प्रेजेंट फॉर्म में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है वेन इट विल गेट ये फ्यूचर फॉर्म में हो गया एज इट वॉज गेटिंग ये पास्ट फॉर्म में हो गया एंड इट वर ये तो गलत ही है सो so इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नो इम्प्रूवमेंट एज इट्स गेटिंग वेरी डार्क नाव ये सही है नेक्स्ट आई डोंट थिंक मैनी पीपल विल बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टूमारो नहीं सोचती कि बहुत सारे पीपल कल मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे सो so, ये फ्यूचर फॉर्म में है इसीलिए विल बी एबल का यूज हुआ है एंड इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है इसका आंसर हो जाएगा नो सब नेक्स्ट द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सेट अप अ लॉन्ग लेक्चर सिट अप का मतलब होता है उठकर बैठना मतलब कि जब कोई लेटा हुआ होता है सिट अक्रॉस का मतलब होता है सामने बैठना सिट अवे का मतलब होता है दूर रहना मतलब कि खुद को किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना करना एंड सिट थ्रो का मतलब होता है स्टे अंटिल द एंड मतलब कि किसी चीज़ के एंड तक बने रहना तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट अप अ लॉन्ग लेक्चर मतलब कि एक लॉन्ग लेक्चर को सुनने के लिए मतलब कि लास्ट तक उसमें बने रहने के लिए चिल्ड्रन बहुत ही यंग हैं बहुत ही छोटे हैं वो लास्ट तक इसको सुन नहीं पाएंगे सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया है एंड इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इससे पहले हम लोग स्पॉट देरर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ अपलोड कर चुके हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वो इजीली मिल जाएगा आप वहाँ से चेक कर सकते हैं सो so, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक यू